सो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो कल एप्पल ने आईफोन 14 सीरीज लॉन्च कर दी, जिसमें बहुत सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स भी थे और आईफोन 14 भी था। और गाइस हमारे सामने आईफोन 14 की सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह आ चुकी हैं। जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो कंप्लीट सेम टू सेम है आईफोन 13 की। तो गाइस इस वीडियो में आपको आईफोन 14 की सारी डिटेल्स और सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन की। तो डिजाइन यहाँ पर आपको कंप्लीट आईफोन 13 के जैसा देखने को मिलता है। सेरेमिक बैक देखने को मिलती है और सामने की साइड आपको एक नॉच देखने को मिलती है, जो कि आईफोन 13 में भी देखने को मिलती है। डिजाइन में कोई भी अपग्रेड नहीं किया है। अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले 6.1 इंच की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि आपको सेम टू सेम आईफोन 13 में देखने को मिलती है सेम रिफ्रेश रेट के साथ। गाइस अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहां पर भी कोई भी अपग्रेड नहीं है। सेम एप्पल A15 बायोनिक का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि आपको आईफोन 13 में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें रैम की, तो रैम एक्स्ट्रा 2GB आपको देखने को मिलती है, 6GB की रैम देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कैमरास की, तो कैमरास में भी कोई भी अपग्रेड नहीं किया है। यहाँ पर आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, जो कि आपको सेम टू सेम आईफोन 13 में भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा में भी कोई भी अपग्रेड नहीं किया है। आईफोन 13 में भी आपको 12 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है और यहाँ पर भी आपको सेम सेंसर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें बैटरी की, तो बैटरी में भी कोई भी अपग्रेड नहीं किया है, बस थोड़ा सा एक माइनर सा अपग्रेड किया है। आईफोन 14 में आपको 20 आवर्स का बैकअप देखने को मिलेगा, जबकि आईफोन 13 में आपको 19 आवर्स का बैकअप देखने को मिलता है। तो कोई भी खास अपग्रेड यहाँ पर भी नहीं किया है। अगर हम बात करें प्राइस की, जो आईफोन 14 की प्राइस होने वाली है, वो होने वाली है 80,000 रुपीज़। 80,000 रुपीज़ में आपको सारे जो फीचर्स हैं वो आईफोन 13 के सेम टू सेम देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। जो आईफोन 13 की प्राइस करंटली है वो है 60,000 रुपीज़। तो आपको आईफोन 14 के लिए 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे, जबकि फीचर्स सारे के सारे आईफोन 13 के हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, कोई भी अपग्रेड नहीं किया गया है फ़ोन में, फ़ोन सेम टू सेम आईफोन 13 के जैसा है। तो अगर आप आईफोन 14 परचेज़ करने की सोच रहे हो, तो आपको आईफोन 13 परचेज़ करना चाहिए, आपके 20,000 रुपीज़ बच जाएंगे। या अगर आपके पास आईफोन 13 पहले से ही है, आप उसे यूज़ कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी स्विच नहीं करना चाहिए आईफोन 14 की तरह। अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी इनेबल कर देना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।